तेरा बन जाए। कोनू ना कोनू आएगा, अब हमारी खुशी थोड़ी देखी जाती है किसी से। हमारे रंग में भंग डालने के लिए आए गए जमदूत, जाओ देखो अब कौन आया है। इतनी रात को क्या काम है? वो हमें लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वही देखने आए थे। तुम ठीक तो हो ना? अरे जौन, हमको दारू से दूध पिला सकती हुका का होगा यार। हमारी तबीयत को क्या होगा, अब आप हमारे लिए परेशान होने का कोई नया नाटक मत करिए। अरे आरुषि, हम तो सिर्फ तुमसे ये हम क्या, अब ये घर हमारा भी है, ये हमारा भी परिवार है। हमारा पति है हमारी चिंता का। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हमारी कितनी चिंता है ये हमने बहुत अच्छे से देख ली। हम खुद को संभालने के लिए काफी हैं। आप रहने दीजिए। तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो आरुषि? देखो जो कुछ भी तुम सोच रही हो वो सही नहीं है। सच सच बता, हमें लग रहा है कि किसी को लेकर तुम्हारे मन में डर है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अब आपको सब कुछ गलत ही लगता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और हम क्यों डरेंगे किसी से? ये घर हमारा, पति परिवार सब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर क्यों है? देखिए, आप फिर से हमें किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कीजिए। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये परिवार वाले हमें पसंद करते हैं। देखा आपने, आपकी बातें सुनकर तो हमारे पति को भी नींद आ गई। अब आप यहाँ क्यों खड़ी है? जाइए अपने कमरे में जाइए, आपका पति आपका इंतजार कर रहा होगा, आप वहां जाइए। अब आप जाइए, हमें भी आराम करना है। आरुषि कम से कम इस तरह से तो बात मत करो, हम तुम्हारी बड़ी बहन, मैं अपनी दुश्मन क्यों मानती हूँ? हम कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। अब आप जा रही हैं या इतनी रात को पंचायत बुलाना चाह रही हैं? क्या है ये सब? अरे कृष्णा, ये ना प्लीज। वैसे भी आरुषि की वजह से बहुत परेशान, और तुमों की ये सब सरा हमेशा तुम्हारे लिए कुछ तो सोचते हो, हमेशा तुम हमारे बना बनाया मूड एकदम वैसे खराब कर देती हो यार।
हमारे कृष्णा जी आज रोमांटिक बातें करने की मूड में है तो और का? अरे वेले तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं लेकिन तुम समझती नहीं हो। अच्छा अब बताओ क्या सोचा था तुमने? चाहे दियो का मतलब बताओ ना। बताएं? बताओ सच्ची। हाँ हम सोचे थे कि तुम्हारे लिए ना आज गाना सच। हाँ और का? अरे तुम्हारे लिए गाना गाएंगे खास तुम्हारे लिए और तुम हो कि क्या बताए। अच्छा तो फिर गा के दिखाओ। घसको घसको थोड़ा उधर पीछे पीछे घसको घसको ना गा ऐसे गा रही तुम्हें बहुत बढ़िया गाते हैं बचपन में बहुत तारीफ हुई हमारी और अब ये खास तुम्हारे लिए हम गाना गा रहे हैं तुम्हारे लिए तो ध्यान से सुनना और देखो हंसना नहीं तुम। जान तुम माई। अच्छा वो बम्बू। हाँ हाँ समझ गया। हाँ ये तो हम सोचे नहीं यार। आवाज आ रही है? हाँ। जान तुमका हो पसंद वही करेंगे काम जिएंगे। हंसी बड़ी आती है मतलब काम का बेसुर है का कहीं ना कहीं चाहती हो तुम यार हैं बेसुर है नहीं फिर मतलब तुम ऐसे तो अमरिया बेइज्जती कर रहे हो तुम यार का मतलब हैं हमरा मजाक उड़ा रहे तुमका तुमका बताए थे हमें अभी के तो हमारी मजाक उड़े तुमको अभी की सजा जरूर देंगे। अपनी आंखें बंद कर। ससुर जी हमको थोड़े पैसे की जरूरत है। पैसों की जरूरत? अरे का है ना कि कई दिन से हमरा एक को हार टूटा हुआ है वो बनवाना है। का है ना कि हार के बिना ना हमरा गला एकदम सुना सुना लगता है। यही कुछ 5-6 हजार रुपए की जरूरत है और कुछ नहीं। बेटा इस वक्त खर्चा कुछ ज्यादा है इसलिए बाद में फिर कभी बनवा लेना। अरे हम कोनो नया हार बनवाने के लिए थोड़ी ना कह रहे जो अगले महीने तक टाल रहे हो। अरे हम सुहागन है हमारी शादी हो गई है तो सब खाली खाली गला अच्छा नहीं लगता है। हमको आज ही पैसा चाहिए हमको हार बनवाना है बस। कोमल देखो बात को समझने की कोशिश करो घर के हालात तुमसे छुपे तो नहीं है ना। ये घर की हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि एक टूटा हुआ हार नहीं बनवा सकते।
अपने ऊपर तो तुम लोग इतना खर्च करते हो, लेकिन हमरे ऊपर खर्च करने के लिए एक को अठन्नी नहीं है तुम्हारे पास। कोमल, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओगी सब ठीक हो जाएगा, फिर जितने चाहोगे उतने ही गहने बना के देंगे। ये घर में ना कब्बो कुछ ठीक नहीं होने वाला है। जो उन दिन से ये घर में आया ना कुछ हमने ठीक से खाया ना पहना है, और अमी को भी कुछ कह नहीं सकते, एकदम लाचार बन के वो स्टम्पटम पे बैठा रहता है। अरे तुम लोग समझते नहीं हो कि हमको क्या चाहिए, और हम कुछ बोल देते तो तुमको लगता है कि हम जिद कर रहे हैं। अरे कब्बो हमरे घर में जाके देखो, तुम्हारी बेटियां कैसे रानियों की तरह राज कर रही है। और हमको कैसे हाथ फैला के तुमसे हर चीज मांगनी पड़ती है। अरे हर चीज के लिए ये घर में ना लड़ाई करनी पड़ती है। का हमरा कोनो साफ सपना नहीं है? ठीक है बेटा, हम कुछ करते हैं। नैना जी, आप एक काम करिए, जब तक कोमल का हार नहीं बन जाता आप उसे अपना हार दे दीजिए।